यादव जी, आज नरेंद्र गुप्ता से मिले हैं, क्या कारण है? इनसे मिलने का मुख्य कारण था कि स्मार्ट सिटी के जो दौरे कार्य पड़े हुए हैं संत नगर में, नालियों का पानी सरकारी स्कूल के अंदर भर रहा है, वहाँ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, टीचरों की जान का खतरा बना हुआ है कि भाई छत गिर जाए तो बच्चे दब जाएंगे, तो उसमें क्या स्कूल के कुछ लोगों ने मिलकर जो नालियाँ थी उनको मिट्टी से भर दिया गया है। इस कारण जो पूरे रोड पर पानी फैला हुआ है संत नगर में, बीमारी और महामारी का डर है। इनसे हमने ये अवगत कराया कि कम से कम जो बैलेंस नालियाँ हैं किसी फंड के माध्यम से उसको पूरा करवा दिया जाए, ताकि जो सड़कों पर पानी फैल रहा है, स्कूल में भर रहा है, वो पानी एक साइड निकल जाएगा। कब से बनी हुई है ये समस्या और कितनी बार मिले हैं आप अधिकारियों से या पार्षद से? स्मार्ट सिटी में तो जुड़े हुए आज 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन लगने की वजह से काम बाधित था और जो कुआं ठेकेदार था वो काम करने को राजी नहीं था। वो बार बार कहता है कि मुझे काम नहीं करना, नहीं करना। स्मार्ट सिटी वालों ने जानबूझ के उसको रोका हुआ था, जैसे उनका कोई रिलेशन हो, लेकिन जब उन्हें बहुत दबाव डाला, विधायक ने दबाव डाला, हमारे पार्षद ने दबाव डाला, हमारी RW टीम ने भी दबाव डाला, तब जाके उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और नया रिटेंडर हो चुका है जो अभी खुला नहीं है। प्रदीप जी, RWS से हैं आप, कब से समस्या बनी हुई और कितनी परेशानी हो रही है? समस्या शुरू से ही बनती चल रही आ रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे इन्होंने अपने हिसाब से सीवर नाली को लेकर जो बोला था कि समय पर ये इतने समय में ये पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नाली का कार्य पूरी नहीं हुआ। तो जो सीवर बने हैं उसमें पाइप छोटे डालने के कारण वो हमेशा डेली यही रोज़ाना कि घरों से पानी, कभी सीवर से पानी, कभी घरों में पानी भरना, कभी नालियों में गिरना, उससे दिक्कत होती ही जा रही है। आगे कोई समाधान नहीं निकला आज तक। बरसात के दिनों में जो पानी है निकल के सारा घरों में भर जाता है, देखने वाला कोई होता नहीं है। अगर हम किसी अधिकारी या किसी को ये फ़ोन भी करते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो कहते हैं छुट्टी पे हैं आज कर्मचारी, वहाँ छुट्टी पर रहेंगे एक दिन, दो दिन, चार दिन तक, जब तक लोग परेशान हो जाते हैं, खुद ही अपने लग जाते हैं, जिससे कि मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियाँ आदि पनपती हैं। और गर्मी का टाइम आ रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, बच्चों का आना जाना बहुत ही दुर्लभ बना हुआ है, जिससे कि जिसके कारण अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा। जब हार कर हम सभी ने आज हमारे जो प्रधान RW के इनको बताया है और उन्होंने ज्ञापन जो कि विधायक जी को सौंपा है, देखते हैं इससे आप आगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कुछ हमें समय दीजिए, हफ्ते 10 दिन का, उसके अंदर अंदर हम आपकी कॉलोनी का निजात हो जाएगा और इस समस्या का समाधान हम करवा दिए। 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्मार्ट सिटी का, करीब करीब 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लगभग 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था और कुल मात्र 6 महीने का टाइम दिया गया था, जिसके बाद चलते चलते 4 साल से ऊपर हो चुका है। वो काम अभी तक अधूरा और पेंडिंग है। उसमें भी इन लोगों ने मिली भगत से छोटा समरसीवर सीवर डाल के हमारे की आपत्ति, हमें मतलब आफत में फंसा दिया है और हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर जितने भी मेन रास्ते हैं, जितने भी छोटी गलियां भी हैं, उनमें भी पानी भरा हुआ है। हम घर से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत है, हमें परेशानी है और हम जिससे भी कंप्लेंट करते हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके ऊपर से हमें जो किसी को भेज भी देते हैं ना, वो जो समरसीवर जो सीवर का काम करते हैं, सीवर मैन, वो जाकर खड्डे को खोल के और मैन होल उठा के बैठ जाते हैं और पूरा दिन की झाड़ी खत्म करके चले जाते हैं। मतलब काम 0/0। बिजली की तारें भी कुछ लटकी हुई हैं, किसको शिकायत दी है आपने और क्या आश्वासन मिला इस बारे में? विधायक जी को दिया है और उधर JEE को दिया था, अभी तक कोई निस्तारण हुआ नहीं। कब दिया था JEE को शिकायत आप लोगों ने? ये हो गया महीना, हो गया 1 महीने के ऊपर हो गया। बिजली की तारें लटकी हुई होती हैं, कुछ खतरा? वो गले में फंस रही हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ये बिजली के तार इतने नीचे लटके होंगे, आदमी की हाइट से कम 1 फुट नीचे, मतलब 6 फुट के आदमी की हाइट है तो कम से कम 5 फुट पे लटके हुए हैं। और जहाँ कभी भी किसी टाइम बाइक वाला या कोई वैसे पैदल वाला भी कभी भी हादसे का शिकार होता है। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमारी जो कूड़े की गाड़ी है वो नहीं आ पा रही है, लोगों को कूड़े फेंकने की दिक्कत है, वो क्या करते हैं कि रात में इधर उधर ही फेंक देते हैं, जिससे कि मच्छर मक्खियां और गंदगी बनी रहती है। बिजली की तारों की वजह से वो गाड़ियां नहीं आ पाती जी, और लोग फिर शहर में इधर उधर। बिल्कुल, ये इसके लिए कंप्लेंट हम कई बार JEE को, SDO को दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरते हुए इसको अभी तक ना ही कुछ किसी कर्मचारी को भेजा है और ना ही पूरा किया है। जमीन से जुड़े हुए विधायक माने जाते हैं, आप हमेशा जनता की सुनते हैं, लेकिन संत नगर के लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, आज भी वो गुहार लगाने आए हैं आपसे, क्या आश्वासन दिया है उन्हें, कब तक? देखिए, संत नगर का जो ठेकेदार था उसने काम अधूरा छोड़ के चला गया था, वो काम नहीं कर रहा था। मैंने जब मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे संत नगर को जिसको स्मार्ट बनाने का हमने ठेका दिया था, उसकी सीवर और सड़कें बनानी थी, उस ठेकेदार का काम ना करने की वजह से कैंसिल कर दिया है। दूसरे दो लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, L1 को टेंडर के लिए परमिशन के लिए फाइल गई है। मुझे उम्मीद है
कि अगले 10-15 दिन में नए ठेकेदार को काम अलॉट कर दिया जाएगा। जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो हम अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू करा देंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।